कांग्रेस ने सिर्फ तेलंगाना में ही क्यों मिनोरिटी डिक्लेरेशन जारी किया, ये सवाल सैयदा फलक ने किया है। सैयदा फलक ने कारवान हलके में मुनक्कदा इंतखाबी मुहिम में शिरकत की और इस दौरान कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। हमारी सेवा का उनके मुकाबला करते हमारी सदन की झुंडी लगा कर कोई पहुंच नहीं सकता। ऐसे सरनाम तुम जिस आरएसएस में भरे पड़े उस आरएसएस मुल्क की आजादी से पहले दिल में छुपी हुई थी। मोदी शाह योगी जैसे छक्का लाए चले गए। साहब की कुर्बानियां उनकी मेहनत आने वाली कई नस्लें याद रखेगी। ये आजकल के लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। कई आए चले गए और आएंगे मिट जाएंगे। मुसलमानों का वोट लेने वाली कांग्रेस आज फिर तेलंगाना में क्यों मिनोरिटी डिक्लेरेशन आप जारी करें? आप लोगों को मालूम इलेक्शन तो राजस्थान में भी होगा, इलेक्शन तो मध्य प्रदेश में भी होगा। बदले से चाहे कोई मुस्लिम वो सियासी जमात है जो गरीबों मजदूरों और अपलतियों के लिए काम करती है और मिलत की शान शौकत और अजमत के लिए काम करती है। लोग इंतजार के भूखे रहते हैं लेकिन मजलिस का मकसद ये है कि माइनॉरिटी को हकूक दिलाए। आज शहर हैदराबाद हमारी पहचान मजलिस से है। यहाँ हमारी शोर शौकत बढ़ाने वाली हमारी जमात है और जो कौम मुतहदा तौर पर काम नहीं करती, जो कौम मुतहदा तौर पर आगे नहीं बढ़ती उस कौम का कोई ठिकाना होता है ना कि मंजिल होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में हमारी अपनी सियासी जमात है, हमारे अपने कायद है, तो हमारी
आपको भारी एक्सपीरियंस से कामयाबी दिलाई है, मजलिस का साथ दीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।